ध्वनि। दैविक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि से संबंधित कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जैसे ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि किसी स्रोत से हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, बंद कार या बस या बंद कमरे के भीतर बाहर खड़े व्यक्ति की आवाज़ क्यों नहीं आती है। मगर जब आप कार के शीशे या दरवाजे को खटखटाते हैं तब दोनों ओर आवाज़ सुनाई देता है, ऐसा क्यों? कि इन सभी सवालों के जवाब हम इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ध्वनि का उत्पन्न होना। इसके लिए इस क्रियाकलाप को देखकर समझते हैं। एक मीटर स्केल लें, उसे टेबल पर इस तरह से रखें जहाँ पे इसका किनारे थोड़ा बाहर हो। अब इसके एक सिरे को 40 सेंटीमीटर तक मेज के किनारे पर कसकर दबाएं, जिस तरह यहाँ चित्र में दिखाया गया है। स्केल के दूसरे सिरे को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। आप देखेंगे कि स्केल कंपन करने लगता है और जब आप इसके समीप जाकर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको धीमी सी ध्वनि सुनाई देगी। उसी प्रकार क्रियाकलाप दो है, इसमें एक धातु के तार को हुक से बांध दीजिए और उसे अपनी उंगली से छूकर कंपित करें। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? आप देखेंगे कि एक धीमी ध्वनि इसमें सुनाई देगी। उसी प्रकार क्रियाकलाप तीन है, इसमें कंपित खरित्र द्विभुज की ध्वनि को सुनना। इसके लिए स्वरित्र द्विभुज लें, उसकी भुजा को रबर पैड पर मारकर कंपित कराएं। फिर कंपित स्वरित्र द्विभुज को के पास अपने कान लेकर उसके ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। इन सभी क्रियाकलापों से आप देखेंगे कि जब भी किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसमें से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। जो ध्वनि होती है वह पदार्थ के प्रत्यास्था पर ही निर्भर करती है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात जब आप किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं या परिवर्तन का प्रयास करते हैं, तब वह प्रत्यास्थता के कारण उस परिवर्तन का विरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करता है और इसी वजह से उस पदार्थ में कंपन होता है। जो पदार्थ जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगा। जैसे उदाहरण के लिए धातु से बने पदार्थ रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। आप देखेंगे जो रबर होता है एक बार खींचने के बाद फिर ढीला हो जाता है, परंतु धातु रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इस कारण उन्हें मोड़ना या खींचना रबर की अपेक्षा कठिन होता है। पदार्थ का यही गुण उनसे उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को प्रभावित करता है। कंपित वस्तु की लंबाई भी ध्वनि को प्रभावित करती है। एक सीमा से कम लंबाई पर कंपित वस्तु की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब ध्वनि हमारे कान तक कैसे पहुंचता है या ध्वनि हम तक कैसे पहुंचता है? तो आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करती है, जिससे माध्यम के कण अपनी संतुलित या विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हैं। यही विस्थापित कण पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित करते हैं और उन्हें विस्थापित करते हैं। इसी प्रकार जो ऊर्जा है वो एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित होती जाती है और ध्वनि भी इसी प्रकार माध्यम में एक कण से दूसरे कण पर आगे चलती जाती है और इस तरह से वह हमारे कानों तक पहुंचती है। क्या ध्वनि तरंग का ही एक रूप है? इसे देखने के लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। जब आप स्वरित्र द्विभुज को कंपित कराते हैं तो कंपित स्वरित्र द्विभुज की भुजा अपने क्रमशः दाईं और बाईं ओर कंपन करने लगती है। जब वह अपने दाईं ओर कंपन करती है तो अपने संपर्क में आने वाले कणों को भी कंपित करती है और
जब वह अपने दाईं ओर कंपन करती है तो अपने संपर्क की वायु के कणों को धक्का देकर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। जब यह पुनः पीछे की ओर कंपन करते हुए वापस आती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसे विरलन कहते हैं। जब स्वरित्र द्विभुज लगातार कंपन करता है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन एक तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होते हैं। चूंकि ध्वनि संचरण में माध्यम के एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसीलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम ये क्रियाकलाप देखते हैं। आपने देखा होगा यह एक लकड़ी के मेज है जिस पे एक सिरे पे आप कान लगाकर सुन रहे हैं तथा दूसरे सिरे पर किसी चीज़ से आवाज़ करते हैं। जब आप यहाँ कान लगाकर सुन रहे हैं और आपका मित्र यहाँ पर किसी चीज़ से आवाज़ करता है तो वह आपको बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। इससे आपको पता चलता है कि किसी ठोस में जो ध्वनि है वो तेज़ी से गति करती है। ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के घनत्व पर भी निर्भर करता है। घनत्व जितना अधिक होगा कंपन के कारण माध्यम में दाब उतना ही अधिक होगा और ध्वनि का संचरण भी तीव्रता से होगा। ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं, अर्थात इनका घनत्व गैस के कणों से अधिक होता है, जिससे वस्तु के कंपन के कारण कणों में विस्थापन तीव्रता से होता है और ऊर्जा स्थानांतरण के समय ऊर्जा ह्रास भी कम होती है। इसी कारण गैस की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में ध्वनि तेजी से गति करती है। इसी तरह द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि संचरण तीव्रता से तथा कम ऊर्जा से ह्रास होता है और हमें साफ ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि और माध्यम। हमने अभी तक पढ़ा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जितना अधिक घनत्व होगा ध्वनि उतनी जल्दी और उतनी अच्छे से माध्यम में गमन करेगी। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। यहाँ एक विद्युत की घंटी और कांच का एक बेलजार लिया गया है। घंटी को बेलजार में लटकाकर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ा गया। घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। जब निर्वात पंप से बेलजार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया और फिर घंटी को बजाया गया तो घंटी की बहुत जो ध्वनि है वो धीमी पड़ने लगेगी। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, परंतु क्योंकि बेलजार को निर्वात कर दिया गया है इसलिए घंटी की ध्वनि आनी बंद हो गई है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती। तरंगों के प्रकार। मुख्यतः तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन या दोलन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है, अतः ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन या कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं।